बेमेतरा जिला के विकासखंड बरेला के ग्राम सोंठ गोठान के अंतर्गत माता मावली स्वर्गीय सहायता समूह के गोधन न्याय योजना के जरिए बर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट उत्पादन और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अब तक रुपए 5,95,157 की आमदनी कर चुके हैं। समूह के सदस्यों ने बताया कि वे अब तक कुल 14,67,030 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद और 24,970 किलोग्राम सुपर कंपोस्ट खाद का उत्पादन कर चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बर्मी कंपोस्ट उत्पादन और खेती बाड़ी का प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है। सदस्यों के मुताबिक उनकी समूह में महिला सदस्य हैं जो घरेलू कामकाज निपटाकर गोठान में बर्मी कंपोस्ट के साथ ही स्थानीय बाजारों मांग के मुताबिक विभिन्न घरेलू रसोई में उपयोग किए जाने वाले मसाले आदि बनाती हैं। इससे समूह की महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है। महिला समूह के सदस्यों ने बताया कि गोधन न्याय योजना से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। पहले उनके पास आय का सिर्फ एक ही साधन था, लेकिन अब गोधन न्याय योजना के आ जाने से उनके पास अतिरिक्त आय का साधन प्राप्त करने का जरिया मिला है। इसके अलावा महिला कृषक समूह के माध्यम से भविष्य में हर तरह की नई तकनीकी का उपयोग कर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसमें बर्मी कंपोस्ट बनाने उसके उपयोग हेतु अन्य कृषकों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। समूह की महिलाएं बताती हैं कि गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य के गौपालकों, ग्रामीणों और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक योजना है। यह योजना राज्य सरकार ने शुरू किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारना, गोपालकों, ग्रामीणों और किसानों को समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और बेहतर मजबूत बनाने के लिए धरोहर के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।